नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं तुषार शर्मा और इस वक्त आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में रेलवे स्टेशन के पास ऑल इंडिया मेंस यूनियन के कार्यालय पहुंचे ऑल इंडिया मेंस यूनियन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा का यूनियन के कर्मचारियों ने बड़े ही जोरदार तरीके से स्वागत किया। इसके बाद ऑल इंडिया मेंस यूनियन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने अपने कर्मचारियों को संबोधित किया। मेंस इंडिया यूनियन के कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इसके बाद महामंत्री ने यूनियन के कार्यालय पर यूनियन पदाधिकारियों के साथ मीटिंग ली, जिसमें कर्मचारियों के हित में आवश्यक सुझाव पदाधिकारियों ने महामंत्री के सामने रखे। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने रेलवे की वर्तमान समस्याओं को लेकर रेलवे कर्मचारियों के साथ मीटिंग की। महामंत्री के साथ केंद्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र प्रताप चौबे, मंडल मंत्री दिल्ली अनूप शर्मा, मंडल मंत्री राकेश चौबे, मंडल उपाध्यक्ष पी एस नेगी तथा एस के सिंगल कृपाल मीणा भी हापुड़ आए। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महामंत्री ने रेलवे के समक्ष खड़ी चुनौती, रेल को बचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों तथा सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के विरोध करने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की 10% भर्तियां रोककर LDCE के माध्यम से पदोन्नति की जाए। मीटिंग में भारी संख्या में रेल कर्मियों ने COVID-19 के नियमों का पालन करते हुए भाग लिया। मीटिंग में आप और शाखा के अध्यक्ष इरशाद खान, शाखा सचिव राकेश अग्रवाल, विकास शर्मा, नीरज चौधरी, इंद्रमोहन सिंह व अन्य कार्यकर्ता अमरीश पाल, बंटी, अंजुब चौहान, केवी सिंह, नरेश शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम MP चौबे है। मैं इस मंडल का पहले मंडल मंत्री था जी, अब मैं केंद्रीय उपाध्यक्ष नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन हूँ। आज इस हापुड़ ब्रांच की डेलीगेट सेशन था, जो हमारे यहाँ के वर्कर्स हैं उनको बीच में हमारे ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री श्री शिव गोपाल मिश्रा जी, जो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष हैं, वो अस्वस्थ चल रहे थे, उनको देखने आए थे। देखने के साथ साथ ये भी तय हुआ कि जो हापुड़ शाखा के हमारे वर्कर्स हैं जी, उनसे भी एक मीटिंग हो जाए, क्योंकि वर्तमान समय में जो भारत सरकार है उस रेलवे को प्राइवेटाइज करने के लिए अग्रसर है जी, और इसके लिए ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन पुरजोर तरीके से विरोध कर रहा है। उसी कड़ी में राष्ट्रीय लेवल पे NCCRS का गठन हुआ है जी, जिसकी अगुवाई ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन कर रही है। जो मीटिंग हुई थी उसमें जो महामंत्री है उनके द्वारा क्या दिशा निर्देश दिए गए? वो NCCRS का जो गठन हुआ है उसी कड़ी में आज इस शाखा की एक मीटिंग हुई थी, और तुम्हारी और रेल कर्मचारी इकट्ठे होकर के संसद का घेराव करेंगे। वो इसलिए कि जो नए पेंशन स्कीम का मामला है, जिसको कि अरसे से ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन लड़ाई कर रहा है, उसमें कुछ पार्शली हमें अचीवमेंट हासिल हुए हैं कि आज के दौर में जो भी न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत कर्मचारी हैं, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी भीड़ों को हम पुरानी पेंशन स्कीम से लाभ दे रहे हैं, लेकिन जो वर्तमान में जो कर्मचारी हैं उनको गारंटेड पेंशन स्कीम की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन का मुख्य एजेंडा है। इसी तरीके से जो प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा है, जिसको कि भारत सरकार तमाम अनाउंस कर रही है कि हम 2021 से 150 रूटों पर 109 रूटों पर 150 ट्रेनें प्राइवेट पार्टनर को देंगे। अभी इन्होंने तेजस चलाया था जी, और तेजस में सवारी ना मिलने के कारण भारत सरकार को तेजस रद्द करनी पड़ी, क्योंकि जो आम उपभोक्ता है, जो भारतीय रेल है, उसको कम पैसे में यात्रा मुहैया करा रही है। जो प्राइवेट पार्टनरशिप आएगा, जैसे तेजस वगैरह गाड़ियां चली हैं, इसमें इनसे चौगुनी उनसे टिकट का किराया वसूला जाता था। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर रेल को बचाने के लिए महामंत्री ने आज कर्मचारियों को आह्वान किया है, और प्रत्येक मंडल में, प्रत्येक रेलवे में महामंत्री अभी पीछे जबलपुर गए थे परसों, वहाँ भी उन्होंने AGM में ये आह्वान किया कि पूरे रेल कर्मचारी एक झंडे के नीचे आए, और इस भारत सरकार की जो श्रमिक नीतियाँ हैं, जो भारतीय रेलवे के बेचने की इनकी कुचेष्टा है, उस पर अंकुश लगाया जा सके।
इसी को आह्वान करते हुए आज एक मीटिंग यहाँ रखी गई थी। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हापुड़ हलचल।